Subscribe and click the bell icon for television updates. कौन हो तुम? मुझसे पंगा लेके तुमने अच्छा नहीं किया छोटी वाले लड़के। मैं पकड़ में आने वालों में से नहीं हूँ। पीटी की तुम? देखो, मुझे बता दो कि तुम क्या बोला? मैं वो बोला हूँ जो आपने अभी तुम क्या बोला? मैंने बोला बेटी की तुम, अब तुम मुझे बताओ तुम क्या बला? हाँ, बेटी की तुम मतलब मैं बला नहीं बोला हूँ, है ना? मैं हूँ बहुत छोटा, पर जानता हूँ सब कुछ। हाँ, ये कपड़े मेरे हैं और बहुत अच्छे हैं। और आप अपनी बात करो, आपने तो अला दिन जैसे कपड़े नहीं पहने। अच्छा, हाँ तुम्हें कैसे पता कि अला कैसे कपड़े पहने? दिखा दो। यहाँ आपकी और यास्मीन दीदी की कहानियाँ सब बच्चों ने सुन रखी है। हमारी ये बढ़िया देखकर देखकर मुझे तुम पर यकीन हो रहा है। एक खतरनाक सांप जैसी औरत पैदा करती है जो लोगों को पत्थर बना सकती है। वो पैलेस के नीचे की केव में है। क्या 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 बोल रहे हो? मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारे महल के नीचे की तहखाने में इतना कुछ हो गया? कुछ हो गया मुझे पता भी नहीं चला। उस सफर को उस तहखाने के बारे में पता था और उसने लोगों पर हमला करना भी शुरू कर दिया। और ये क्या सांप सांप वाली औरत कौन है? सो यास्मीन फिलहाल नागिन बन चुकी है और वो अभी नागिनी है। एंड कोई बीन बजा रहा होता है और उसे पता नहीं होता है। एंड शी सडनली यू नो एकदम स्विच हो जाती है, एकदम हिप्नोटाइज हो जाती है। सो शी स्टार्ट्स टू डांस एंड अभी वो सोच रही है कि कौन है वो। और अपेरेंटली जो होता है मैं बताऊँगी नहीं कौन होता है, बट शी इज़ डांसिंग राइट नाउ। सो बस छोटा सा ऐसे नागिन डांस यहाँ पे चल रहा था। सबसे अच्छी बात यह कि किसी भी कटाई में अम्मी के बिहेवियर में तारीफ नहीं है। तारीफ करेगा सबसे पहले इस मुसीबत की जड़ नागनी को ढूंढना होगा। उसके बाद मुझे तुम्हारे लोग जंगल में जीने भर को वापस आना ठीक करना है। खाला जान I really love the idea and बहुत ही अच्छा क्रिएटिव यू नो आइडिया है ये। एंड आई होप दैट बालवीर के फैंस और अलादीन के फैंस सबको पसंद आए। और जब दोनों साथ में यू नो पॉजिटिविटी साथ में जुड़ जाती है तो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट कि ज़फ़र को वो लोग डिफ़ीट कर पाएंगे या नहीं। अलादीन के अपकमिंग एपिसोड से बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं एंड बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। आगे जाके ये भी पता चलेगा कि ज़फ़र का प्लान क्या है और ज़फ़र को कैसे डिफ़ीट करना है और अलादीन को अपनी अम्मी को वापस लाना है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। और जिन भी सब उनके पास चले गए ज़फ़र के पास, सो अभी सब कुछ उसे अपने साइड पे लाना है और साथ साथ में नक्चड़ी को भी संभालना है और नक्चड़ी को मतलब यास्मीन को पूरे किंगडम को संभालना है। सो या दैट इज़ व्हाट इज़ गोना हैपन।